गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? सब बढ़िया, सब मजे में? हाँ जी, आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के जो हमने पहले किए थे ना, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक भी यूज होगी, कंसेप्ट भी यूज होगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको बेसिक से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्वेश्चन देखिए, इफ एस वन एस टू एस थ्री, इफ एस वन एस टू एस थ्री बी सम ऑफ एन टू एन थ्री एन, एन टू एन एंड थ्री एन टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एप एंड एस टू माइनस एस वन के एस थ्री देन द वैल्यू ऑफ के। बस ये क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? बोल रहा है कि एस वन एस टू एस थ्री तीन सम है, तीन सम है, किसके सम है? किसी एपी के सम है, ये तीन सम है किसी एपी के सम है, कितने टर्मों के सम है? एन टू एन और थ्री एन टर्म के सम है रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एपी, एपी के हैं, और ये एक रिलेशन भी दे रखा है उनके बीच में। तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब बोलोगे सर एपी तो दे ही नहीं रखी और एन भी गिवन नहीं है, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, एन टर्म के सम का फॉर्मूला पता है? सर क्या, कौन से वाला फॉर्मूला? एस एन एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। अब ए पी ए की है तो ए भी सेम रहेगा, डी भी सेम रहेगा, और एन कितना है? एन एक बार एन है, एक बार टू एन, एक बार थ्री एन है, तो यहाँ पे एन रख देंगे एक बार, फिर टू एन रख देंगे, फिर हम रख देंगे थ्री एन, रख देंगे एन टू एन थ्री एन रख देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये रखने के बाद वो फॉर्मूला इनमें पुट करेंगे, इनमें फॉर्मूला पुट करके फिर इसको सोल्व करेंगे, तब के की वैल्यू आ जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ेगा, कितना टाइम लगाओगे इसके अंदर? तो देखो हम ट्रिक से करेंगे इसको। ट्रिक से कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बस ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी रिजल्ट के ऊपर हम और भी काफ़ी क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन भी और सारे करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी एपी मान लो, कोई भी एपी एज्यूम कर लो, कितने टर्म के एज्यूम करे? जितना आपका मन करे, जितना आपका मन करे वो एपी एज्यूम करो, जितनी टर्म का मन करे वो एज्यूम करो, पूरी छूट है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए सबसे इजी, वन टू थ्री एज्यूम कर लिया, वन टू थ्री एज्यूम कर लिया, जो आपका मन करे वो एपी मानो, जितनी टर्म का मन करे वो एज्यूम करो, एन में ले रहा हूँ वन। सर आपने ये एपी ही क्यों लिया, आप जो मन मर्जी हो वो ले लो। सर आपने एन वन क्यों लिया, आपका मन करे टू ले लो, थ्री ले लो, फोर ले लो, फाइव ले लो, कुछ भी लो। अच्छा जी, तो अब एन वन लिया तो इसका क्या मतलब हो गया, वन टर्म, इसका क्या मतलब हो गया, टू टर्म, इसका क्या मतलब हो गया, थ्री टर्म, हो गया ना। तो एस वन तो है वन टर्म का सम, तो वन टर्म का सम कितना आ गया, वन। एस टू है टू टर्म का सम, एस टू कितना आ गया, टू टर्म का सम, थ्री आ गया। एस थ्री क्या है, थ्री टर्म का सम, तो एस थ्री कितना आ गया, इन तीनों का सम, एस थ्री का सम कितना आ गया, सिक्स, ठीक है ना। सर और कोई ये पी लेके करेंगे तो भी उस तरीके से आ जाएगा, मान लो एन टू लेते हैं तो ये टू टर्म का, ये फोर टर्म का, ये सिक्स टर्म का, उसी हिसाब से आपने वैल्यू पुट करनी है। अब S1, S2, S3 आ गया, मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ जो उसने कंडीशन दे रखी है। तो S2 कितना है, 3, S1 कितना है, 1, और K S3 कितना है, 6, तो अभी कितना हो गया, 2 by 6 equal to K, और K की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 by 3, ठीक है ना। देखा सो ट्रिक कितना जल्दी हो गया क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला पुट करके करते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हम कर ही देते हैं हड़बड़ाहट में, लेकिन इससे आसान और कुछ हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया छान मारो, पहली बात तो ट्रिक नहीं कराएगा कोई, और कराएगा तो इस तरीके से नहीं कराएगा,
ठीक है ना, इतनी जी मेथड से, ठीक है, यूनिक शॉर्ट ट्रिक है जो खुद की बनाई हुई है, जो आपको और कहीं पे प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन देखना और ये रिजल्ट देखना, अब इस रिजल्ट को यूज करेंगे। क्या रिजल्ट है यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं अलग से, S2 - S1 1/3 S3। ये वाला जो रिजल्ट है ये काफी जगह यूज होगा, ये वाला रिजल्ट है बहुत जगह, बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होगा। एन हमने क्या मानना है, 1 मानना है यहाँ पे, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे S2n - Sn और 1/3 S3n। इसको ये लिख सकते हैं ना, बस इसको ये लिख सकते हैं तो समझ में आ गया, तो और कोई बात ही नहीं है, क्योंकि n हमने 1 पुट किया ना, और ये तो कंडीशन दे रखी थी उसने, तो n की जगह 1 पुट किया तो ये n की जगह 1 हो गया, 2 की जगह 2n हो गया, 3 की जगह 3n हो गया। तो बस अब ये वाला रिजल्ट जो है हमको याद रखना है, आगे वाले क्वेश्चन इस रिजल्ट के ऊपर करेंगे। देखिए बात, हाँ जी बच्चों, देखिए अब दो क्वेश्चन करने चाह रहे हैं इस रिजल्ट के ऊपर। अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो ये दोनों क्वेश्चन चुटकी बजाने से पहले भी हो जाएंगे, और अगर ये रिजल्ट याद नहीं है तो बजाते रहो चुटकियां, नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सर कितने रिजल्ट याद रखेंगे, ये रिजल्ट भी मैंने क्या कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया ना किस तरीके से था, ठीक है, तो अपने आप याद रह जाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो अब देखिए S20 दिया हुआ है, X60 दिया हुआ है, X40 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तो N2N और 3N है, तो अगर मैं N की वैल्यू 20 ले लेता हूँ, N की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 20, तो 2N की वैल्यू 40 हुई कि नहीं हुई, 3N की वैल्यू 60 हुई कि नहीं हुई, हाँ जी हो गई जी, तो हो गई, तो बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि S2N में से क्या माइनस करना है, S2N, देखो ये क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये S2N हो गया, ये S3N हो गया और Sn हो गया। अपने को 2N निकालना है ना, तो अगर S2N निकालना है तो 1/3 S3N प्लस में Sn, ये हुआ कि नहीं हुआ, Sn जो है वो उधर जाके ऐड हो गया, क्योंकि S2N निकालना है अपने को, तो बस कर दो 1/3 of S3N, S3N ये है 720 और प्लस में Sn कितना है 90, तो 240 प्लस में 90 कितना आ गया 330 आ गया ना। अगर इसको बेसिक से करेंगे, S20 का फॉर्मूला यहाँ लगाओ, वहां से इक्वेशन बनेगी A और D की, फिर S60 का फॉर्मूला यहाँ लगाओ, फिर वहां से इक्वेशन बनेगी A और D की, उन दोनों को सोल्व करो, AD की वैल्यू आएगी, फिर फॉर्मूला यहाँ लगाओ 40 टर्म का, वो AD की वैल्यू जो आई थी वो इसमें पुट करो, फिर जाके आंसर आएगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बस अगर ये रिजल्ट याद है तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो आराम से कर सकते हैं। तो बस करना क्या था, 1/3 of 720 प्लस में 90, रीजन क्या है, ये रीजन है आपके सामने, ठीक है ना, इस तरीके से हमको ये करना है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये देखो इसमें फाइंड आउट करना है S3N फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला तो रहेगा ही बस, तो 3N फाइंड आउट करना है, तो जो 3 है वो कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो S2N में से Sn माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस करा तो कितना हुआ 3N² + 2N हो गया, S2N - Sn, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया S3N आ जाएगा ना, हाँ जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9N² + 6N, ये आपका आंसर जो है आपके सामने आ गया, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हम रिजल्ट याद रखेंगे, ये वाला, लो जी ये वाला रिजल्ट याद रखेंगे। अब इसमें क्या दिया हो सकता है, हो सकता है S2N दे दे, Sn दे दे, S3N पूछ ले, S2N दे दे, S3N दे दे, Sn पूछ ले, ठीक है, या फिर Sn दे दे, S3N पूछ ले, S2N पूछ ले, ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीके से है ये रिजल्ट, अच्छे से नोटबुक पे नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर रखा हुआ जब चमकेगा ना अपने आप नजर के सामने आएगा, और जब नोटबुक देखोगे एक बार दो बार तीन बार ये दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अभी देखते हैं, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देखिए ये, इफ द सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन AP इज द सेम एज सम ऑफ Q टर्म, फाइंड द सम ऑफ P + Q टर्म, इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि SP = SQ और आपको फाइंड आउट करना है P + Q, तो या तो पहले P टर्म के सम का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे Q टर्म के सम का फॉर्मूला लगाओ, लगाएंगे
तो आंसर किस में आएगा, ना तो अपने को ए पता है ना ही डी पता है, एन इन्होंने पी और क्यू दे रखा, तो एक रिलेशन बनेगा यहाँ से ए डी और क्यू में रिलेशन बनेगा, ए डी पी और क्यू में, वो रिलेशन जो बनेगा उसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे फिर जाके आंसर आएगा। 5 मिनट से पहले ये क्वेश्चन हो जाए तो फिर देखना, 5 मिनट आराम से लगेंगे, लेकिन अपने पास 1 मिनट है, 5 मिनट नहीं है, और हम इसको 1 मिनट में नहीं सिर्फ सेकंडों के अंदर सोल्व करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, आंसर तो मैंने बता दिया 0 आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर बता दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, तो 5 मिनट नहीं सिर्फ 15 सेकंड 10 सेकंड इतने लगेंगे बस। अमर को ये बताओ एपी सेम है ना, एपी तो एक ही है, तो एपी के अंदर ऐसा कब हो सकता है कि कुछ टर्म का सम पी टर्म का सम क्यू टर्म के सम के इक्वल आ जाए। अब मान लो ये 2 टर्म है ये 3 टर्म है तो सम इक्वल थोड़ी ना आएगा, एक टर्म और ऐड होगी ना। ऐसा कब होगा कि ऐड होने से फर्क ना पड़े, ऐड होने से फर्क कब नहीं पड़ता, जब वो टर्म क्या हो 0। पी और क्यू कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन करे, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन करे, मान लीजिए मैं 2 और ये 3 मान लेता हूँ, ये 2 मान लिया और ये 3 मान लिया, भाई S2 और S3 सेम है, S2 और S3 सेम है, ठीक है, और एक एपी भी मान लेते हैं इसके साथ में, जैसे कि पहली टर्म 2 मान ली फिर मान ली 1, अगली टर्म होगी 0, अगली टर्म क्या हो गई 0। अब देखो मेरे को ये बताओ 2 टर्मों का सम कितना है, 2 टर्मों का सम, 2 टर्मों का सम है जी 3, 2 टर्मों का सम कितना है 3 है, और 3 टर्मों का सम कितना है ये भी 3 है, तो कभी भी पी टर्म का सम क्यू टर्म के सम के बराबर होगा, यानी कि उनमें क्या फर्क हो सकता है, अगर आगे और टर्म ऐड कर देंगे तो सम बराबर नहीं आएगा ना, इक्वल नहीं आएगा, सम सम इक्वल कब आएगा जब एक टर्म उनके अंदर 0 होगी, तो या तो सम विदाउट 0 पूछेगा या विद 0 पूछेगा, और ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बनती जिसमें सम अलग अलग टर्मों का सेम आ जाए। अच्छा जी अब क्या पूछता है, पी प्लस क्यू यानी कि S5 पूछता है, S5 2 और 3 5 हो गया ना, तो S5, तो अगली टर्म बताओ क्या बनेगी, इससे अगली टर्म बनेगी -1 और -2, एपी के अंदर ये बनेगी अगली टर्म, अगर इनको जोड़ दें तो कितना आएगा 0 है। ये ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बहुत ही आराम से पूछे जा सकते हैं, और बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने लग जाता है, ठीक है ना, और इन ट्रिकों के बिना फिर आपको एग्जाम क्या हो जाता है लेंथी। अब जैसे सीक्वेंस सीरीज की अगर मैं बात करूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं 3 या 4 क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चन में अगर आपने 5-5 मिनट लगा दिए तो 20 मिनट तो यही चले गए, इतना तो टाइम ही नहीं होता, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे 10 सेकंड 5 सेकंड इस तरीके से लगाएंगे, और मैं इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा क्लास के अंदर कि एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही बिना सोल्व करे उसका आंसर कर दोगे, बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो सर ने कराया था क्लास के अंदर वही, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो हमने क्लास के अंदर कवर अप नहीं किया हो, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास के अंदर, ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा, देखते ही कर दोगे हाँ जी किया हुआ है क्लास के अंदर, क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मतलब सेम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, इसमें कोई चेंज होके नहीं आ सकता, क्या चेंज करेगा, बस पी की जगह क्या कर देगा, मान लो जैसे कि पी की जगह एक्स कर देगा, क्यू की जगह वाई कर देगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चेंज कर सकता, उसकी औकात ही नहीं इससे ज़्यादा चेंज करने की, ठीक है, तो बस ध्यान रखना और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या था, बस ये ध्यान रखना कि कभी भी पी टर्म और क्यू टर्म का जो सम है वो सेम कब होगा, जब उनमें से एक टर्म क्या हो जाएगी 0। तो हमने एक एपी ले ली 2, 1 और 0 ले ली, टर्म हमने 2 और 3 ली थी, कितने भी टर्म ले लो कितनी भी एपी ले लो कुछ भी ले लो आंसर हमेशा 0 आए। तो ये टर्म होगी 2 टर्म का सम भी 3 आ रहा है, 3 टर्म का सम भी 3 आ रहा है, तो 5 टर्म का सम बताना है, तो अगली 4th और 5वीं टर्म क्या आ गई, 4th और 5th टर्म क्या आ गई -1 एंड -2, देन ऐड किया तो 0 आंसर आ गया, बस हो गया, अभी तो मैं ऑप्शन लिखे ही नहीं है, ठीक है, विदाउट ऑप्शन ही है हमारा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, तो बस ये ध्यान से देखना इस तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे। हाँ जी बच्चों क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाएगा, क्या क्वेश्चन है, इफ द नंबर n-3, 4n-2, 5n+1 आर इन एपी देन दी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो हमको एक चीज पता है कि a प्लस बी और c, a b c आर इन एपी,
अगर ये एपी के अंदर है तो जो बी है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू, तो हम बोल सकते हैं कि बीच वाली टर्म का तो दुगना और ए प्लस सी के क्या होगा इक्वल, ठीक है, बीच वाली टर्म का दुगना ए और सी के क्या होगा इक्वल, तो बीच वाली टर्म का तो दुगना, लो जी बीच वाली टर्म का तो क्या कर दिया, दुगना करना है बीच वाली टर्म का, और जो पहली और थर्ड टर्म है उनको क्या करना है ऐड, तो n माइनस थ्री और फाइव एन प्लस में वन, बस अगर इतना कंसेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। एट एन माइनस फोर और ये हो गया सिक्स एन माइनस टू, तो ये आ गया टू एन और ये उधर जाके कितना हो गया टू, n की वैल्यू कितनी आ गई वन, तो n की वैल्यू वन आ गई तो बस ये सोल्व हो गया, ठीक है ना, बस ये था और तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो बस आपको पता होना चाहिए और उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों क्वेश्चन देखो, ये देखो कहाँ कहाँ से ढूंढ के आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से ढूंढ के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ आर इन ए पी, ये सारे के सारे ए पी में है, तो ई माइनस सी बताना है किसके इक्वल होगा। अगर हम रिजल्ट लेके चले ना भाई ए बी सी ये सारे ए पी में है, तो ई माइनस सी निकालो किसके इक्वल होगा, तो इस तरीके से काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो कोई भी ए पी मान लीजिए, तो हम मान रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सबसे आसान ए पी तो यही है, ठीक है, नेचुरल नंबर एज्यूम कर लो, काउंटिंग एज्यूम कर लो, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए पी में है, हाँ जी ए पी में है, तो ई माइनस सी, ई माइनस सी कितना होगा, जितना फाइव माइनस थ्री होगा कितना हो जाएगा टू, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, तो देख लो टू कहाँ से आ रहा है, तो सी माइनस ए करते हैं तो टू मल्टीप्लाई टू कितना आ गया फोर, डी माइनस सी करते हैं डी माइनस सी तो ये कितना आ गया वन, मल्टीप्लाई कर गया तो टू हो गया, एफ माइनस डी, एफ माइनस डी ये कितना हो गया टू, ये कितना आ गया फोर, और डी माइनस सी कितना है वन, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए टू, टू देख लो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बस ये आंसर हो गया। सर कौन सी ए पी मान ले, जो आपका मन करे वो ए पी मान लो, ठीक है, पुट करो अपने आप आंसर आएगा, जो इक्वल आ जाए वही आपका आंसर, और कुछ सोचना ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देखिए आप, हाँ जी देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये कर लिया तो समझ लिया आपका सिक्वेंस सीरीज जो है वो सारे का सारा हो गया। वट इज द टेंथ कॉमन टर्म, वट इज द टेंथ कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज, ये दो सीरीज है इनके बीच में दसवीं कॉमन टर्म बताओ। तो सीरीज देखो कैसे जा रही है, ये टू है, ठीक है, फिर सिक्स है, फिर टेन है, फिर फोर्टीन आएगा, एटीन आएगा, ट्वेंटी टू आएगा, ट्वेंटी सिक्स आएगा, इस तरीके से चलेगा ना। अच्छा उसके अंदर क्या है कि वन है, सिक्स है, इलेवन है, इलेवन के बाद देखो क्या आएगा, सिक्सटीन आएगा, फिर ट्वेंटी वन आएगा, फिर ट्वेंटी सिक्स आएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अभी बताओ फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी है, सिक्स, सेकेंड कॉमन टर्म कौन सी है, 26, ऐसे चलता जाएगा ये। अब ए कितना हो गया 6, जो फर्स्ट टर्म है वो ए हो गया, सेकंड टर्म कितना है 26, भाई पहली टर्म जो है वो तो 6 है, सेकंड टर्म कितनी है 26, तो डी कितना आ गया, डी आ गया 20, दो कॉमन टर्म देख ली। और ऐसे कौन सी कॉमन टर्म निकालनी है, टेंथ कॉमन टर्म निकालनी है, तो ए प्लस में 9 है डी, ए कितना है 6 और डी कितना है 70, तो ये हो गया 186, ठीक है ना। तो सारी मेहनत किसके लिए थी, हाँ ये तो पता चली गया हमको, ए में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो पहली कॉमन टर्म है वो ए है, उसके बाद ये निकालना था, ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तरीके से करने में। अगर ये भी ना मिलता तो आगे करते जाते देखता कि कॉमन टर्म कहाँ आ रही है, फिर आप ये फॉर्मूला लगाते। तो मेन चीज क्या है, फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम आई या डी निकालने में, सर डी निकालने में प्रॉब्लम आई, डी निकालने में प्रॉब्लम आई, अगर ये हमको यहाँ ना मिलता तो हम तो चलते रहते आगे, पता नहीं कहाँ जाके कॉमन टर्म मिलता, कहाँ जाके हम डी निकालते। तो इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, क्या शॉर्टकट है, इसका डी देख लो, इसका डी देखो कितना है 4, इसका डी देख लो कितना है 5, तो इसका डी मल्टीप्लाई इसका डी, 4 मल्टीप्लाई 5 कॉमन टर्म का डी आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, ध्यान रखना ये चीज़,
इसका डिफरेंस मल्टीप्लाई इसका डिफरेंस, डिफरेंस इज द कॉमन टर्म, कॉमन टर्म का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द बोथ एपी को मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है। तो 20 हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, यहाँ से 4 यहाँ से 5 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी, एपी की कितने टर्म, ये एपी है का सम जीरो हो जाएगा। तो आप ये देखो, ए कितना है आपके पास 21, डी कितना है, डी है आपका -3, ठीक है। सम कितना दे रखा है, जीरो, बताना क्या है, एन। तो फॉर्मूला पुट करेंगे इसका हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है एसएन का, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए, ये जीरो पुट करेंगे, एन बाय टू, टू ए, ए कितना है 21, ये हो गया 42, एन माइनस वन क्योंकि एन तो नहीं मालूम ना, और डी कितना है -3। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे अब हम लोग। तभी देखिए एन बाय टू, अगर हम इसको हमने सोल्व किया, ये हो गया -3n और ये कितना हो गया +3, तो ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45। बस अब इसको हमने सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो किस तरीके से करेंगे, ये वाला तो जो है इधर आके जीरो ही हो गया, तो जीरो इक्वल टू -3n प्लस 45, तो ये 3n इक्वल टू हो गया 45, n की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो जो 15 टर्म है ऐसी, उसका सम क्या आ जाएगा अपना, जीरो आ जाएगा, तो n की वैल्यू 15 हो गई, ठीक है ना। बस कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, सिंपली आपको सम दे रखा था, बस ये फॉर्मूला याद रखना था और पुट करना था, फॉर्मूला याद रख के और पुट करके ये आपका जो है क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो गया, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पता है क्या होता है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए ना 10th क्लास वाला। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये जहां पर होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये आपको क्या दे रखे, साइड की रेशो दे रखी है, कहते हैं इनमें से कौन सी साइड की रेशो है अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, तो इसको सेटिस्फाई कौन सा करेगा। अब ये देखो, अगर हम इसमें करके देखें, ठीक है, ये करके देखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ इसके अंदर करेगा सेटिस्फाई। देखो करके, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो और किसी के अंदर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक कर लो सारे के सारे। जैसे देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, यहाँ से 4 आएगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर 4, इसका 9 और ये कितना आएगा 16, ये भी नहीं हुआ। तो ये वाला होगा आपका सी, ये वाला भी आपका नहीं बनेगा। तो जहाँ पे बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये रिजल्ट आपका सेटिस्फाई कर जाए, वो आपका आंसर आएगा। एच क्या होता है, सबसे लार्ज, सबसे लार्ज जो साइड है उसको एच मानना है। जैसे एच यहाँ पे किसको मानेंगे, इसको, तो इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया, ये इसका कितना आ रहा है 64, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा 3, 4, 5, ये जो हमारा जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन क्वेश्चन से नहीं होता, क्वेश्चन किससे होता है, ऑप्शनों से, तो वो भी ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो ऑप्शन देख लेना सेटिस्फाई कर जाए। कई बोलो हमको क्या पता सर राइट एंगल ट्रायंगल कौन से, उसने कुछ बताया थोड़ी है, तो उसने ऑप्शन दिए ना, तो ऑप्शन ही क्वेश्चन के अंदर यूज करने हैं, वहां से आपको आंसर का पता चल जाएगा। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन ए सर्टेन एपी इफ 24th टर्म, 24th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 10th टर्म, कहता है जो 24th टर्म है वो ट्वाइस है 10th टर्म की, तो 72 बताना है कि किसकी ट्वाइस होगी, जो 72 टर्म है वो बताना है किस टर्म की ये ट्वाइस टर्म होगी, ठीक है ना, इस तरीके से ये आपको बताना है। तो अब ये देखिए, ये कितना हो गया a प्लस 23d और ये हो गया 2 और ये a प्लस 9d, क्लियर। उसके बाद देखिए
अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये तो 2a प्लस 23d है, तो ये क्या हो जाएगा, ए नहीं है यहाँ, 2 नहीं है यहाँ पे, a प्लस 23d, तो a तो इधर चला जाएगा, तो a बचा और 18d इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5d। तो a की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई, 5d के इक्वल आ गई। तो अगर हम यहाँ से देखें a प्लस 71d बनेगा ये, और ये 2tn, tn का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये बना। हाँ जी, अब इसके बाद देखिए, अगर इसके अंदर a की जगह हम 5d पुट कर देते हैं, तो a की जगह 5d पुट किया तो 5d प्लस 71d और ये हो गया 2 5d प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो ये हो गया 76d, ये 2। अब ये देखिए कितना हो गया, अगर यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 5 प्लस n माइनस 1, तो d से d कट हो गया, 2 से चला गया 38 पे, 38 इक्वल टू 4 प्लस n, तो जो n है उसका आंसर कितना आ गया, 34, ठीक है ना। तो जो 72 टर्म है वो किसकी ट्वाइस होगी, 72 टर्म है वो कौन सी टर्म की ट्वाइस होगी, 34 टर्म की, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, बट ये होगा इस तरीके से, इसका कुछ ट्रिक वाला सिस्टम नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बस ये बेसिक क्वेश्चन है, तो एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लगा मेरे को, इसलिए आपको ये करवा दिया। तो अच्छे से नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से रखना इस क्वेश्चन को नोट करके। तो अभी हम आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन ये। MPQR कंजुगेटिव टर्म, कंजुगेटिव का मतलब पता है क्या सभी को, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको कंजुगेटिव का मतलब नहीं पता हो। कंजुगेटिव को बोलते हैं क्रमागत, लगातार, ठीक है ना, लगातार कोई नंबर है तो लगातार कंजुगेटिव नंबर है, कोई एपी के अंदर है तो आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लो। जैसे कि आपने एज्यूम कर लिया, मान लीजिए 2, 3, 4 एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, 2, 3 और 4 एज्यूम कर लिया आपने। आप बोलोगे सर 2, 3, 4 एज्यूम क्यों किया, आपने 1, 2, 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि m की जगह 1 पुट करेंगे ना, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा करी है कि नहीं करी। तो कहीं भी ऐसा कुछ आ जाए जहाँ पे उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, तो ऐसा कुछ भी हम पुट नहीं करेंगे। जैसे m का स्केयर भी है यहाँ पे, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, तो पता ही नहीं चलेगा स्केयर कर रखा है कि नहीं कर रखा, तो इसलिए 2, 3, 4 पुट किया। तो अब ये बताना है p किसकी इक्वल है, तो p की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 3, तो जहाँ से 3 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। m और q की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो m और q की वैल्यू अगर पुट करते हैं, m और q कितना हो गया, 8/2, यहाँ से तो 4 आया, ये आंसर नहीं हो सकता। आगे चलिए, m माइनस q 2 माइनस 4/2 नहीं हो सकता, -1 आया यहाँ से। उसके बाद चलिए एम स्केयर यानी कि 4 और q का स्केयर यानी कि 16 और मल्टीप्लाइड 2, तो ये कितना हो गया, 40, ये भी नहीं हो सकता। और m प्लस q 2 प्लस 4 बाय में 2, तो 6/2, 3 आ रहा है क्या, हाँ जी 3 आ रहा है, तो d इज द राइट आंसर, ठीक है। बेझिझक होके कुछ भी पुट कर दीजिए, जो आपका मन करे वो पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाए, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इतना चेक करने की बजाय अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर कंजुगेटिव टर्म है, कंजुगेटिव टर्म है, तो ये बताओ पी अर्थमेटिक मीन होगा कि नहीं होगा। कोई भी 3 कंजुगेटिव टर्म है तो बीच वाली टर्म क्या होती है, बीच वाली टर्म होती है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन है तो पी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ, पी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एम एंड क्यू। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एम प्लस क्यू बाय 2 तो होगा, बस डायरेक्ट आंसर ही आ गया, या फिर ऐसे करके देख लो। तो बस कंसेप्ट का खेल है और कुछ भी नहीं है। अगर कंसेप्ट आपका मजबूत है, कंसेप्ट आपका अच्छा है, तो बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, हर जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें नई निकल के आएगी। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप डाउट्स ले लीजिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया भी है पहले, याद हो तो अगर आपको। तो 4 टर्म आ रही है एपी, 4 टर्म है एपी के अंदर है, तो अगर आपको याद हो तो हम 4 टर्म एपी के अंदर एज्यूम करते थे,
क्या a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी, ये जूम करते थे। मैंने बताया भी था चार टर्म कभी एपी में हो तो ये जूम कर लेना। अब इनका सम दे रखा है तो इनको सम करो, 20 के इक्वल और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120 हो जाएगा इस मेथड से, बट लेंथ ही पड़ेगा, हो जाएगा इस मेथड से बट लेंथ ही पड़ेगा। तो सर आप ही ने तो बताया था ये ट्रिक, बिल्कुल बताया था, और अब इसे भी आसान बता दो तो क्या इनाम दोगे? ठीक है ना, पहले बताया था ट्रिक है वो भी, लेकिन उसे भी आसान ट्रिक इसके अंदर हो जाएगी क्योंकि ये वाली भी थोड़ी सी लेंथ ही पड़ेगी। सर इससे भी आसान ट्रिक, आसान ट्रिक क्या है? ऑप्शन, ऑप्शन कैसे, सम क्या आना चाहिए 20, इसका सम करके देखो 20 आ रहा है नहीं आ रहा, इसका सम करके देखो 20 आ रहा है नहीं आ रहा, इसका सम करके देखो 20 आ रहा है, आ गया, हो गया आंसर। बस हम इसको सोल्व करने पे लगे हुए हैं, ऐड करेंगे तो हम कि हमारी किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा फॉर्मूला पुट करेंगे, जैसे इनका स्केयर का सम करेंगे 120 आएगा, फिर डी की वैल्यू आएगी, फिर पुट करेंगे, इतना टाइम लगाएंगे। अरे मैंने बताया था ना, अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं आंसर ऑप्शन के अंदर से ही आएगा। सर कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि आंसर ऑप्शन के अंदर से आएगा, तो देखते क्यों नहीं इसको भाई, देखो इसको, इसको देखोगे तो बस ये देख लो सम किसका आ रहा है 20। पहली बात तो एक ही ऑप्शन मिलेगा ऐसा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं मिलता। एग्जाम बहुत इजी होता है लेकिन देखने का नजरिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो 20 इसका आंसर है। बाय चांस दो ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जिनका सम जो है वो 20 आ रहा था, फिर हम स्केयर का सम करके देख लेते 120। अभी तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर बोलोगे सर नॉन आंसर भी है, हो सकता है इनका स्केयर का सम 120 ना है, फिर तो डी आंसर हो जाएगा ना। पहली बात तो बिल्कुल रेयर चांस है, रेयर रेयर रेयर, बिल्कुल रेयर चांस है। उसके अलावा करके देख लेते कितनी देर लगेगी, 2 का स्केयर 4, इसका स्केयर 16, इसका 64 और इसका 36, 6 का और इसका 64, टोटल इज 120। लो जी, मन में डाउट मत रखना, कोई भी डाउट मत रखना, कोई डाउट हो तो उसको सोल्व करके देख लेना बस, ठीक है ना। डाउट रखोगे तो फिर आगे डाउट ही चलता जाएगा, डाउट रखो ही मत, आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन है आपके एग्जाम का क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, सी फाउंडेशन का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को समझो ध्यान से, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में दे रखा है, ए पर्सन रिसीव्ड द सैलरी फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले जो फर्स्ट ईयर की जो उसकी सैलरी है वो 5 लाख है पर ईयर, 5 लाख रुपए उसकी जो है सैलरी है पहले साल की। उसके बाद हर साल उसका इंक्रीमेंट होता है 15,000 का, पहले साल की 5 लाख है, उसके बाद 15,000 हर साल उसकी बढ़ती जाती है। और अब ये बताना है सम ऑफ द सैलरी ही टेकन इन 10 ईयर, 10 सालों के अंदर उसने कितनी सैलरी ले ली। अभी देखो पहले साल कितनी, 5 लाख, ठीक है जी। दूसरे साल उसकी होगी 5,15,000, तीसरे साल होगी 5,30,000 और ऐसे चलता रहा चलता रहा, कितने साल होता, 10 सालों। तो सर सम करना है, सम का फॉर्मूला n बाय टू उगवे प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो n कितना है, 10/2, 10 ईयर है। a कितना है, 5 लाख, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 10 लाख। n माइनस वन, 10 में से बन गया 9, और d फॉर डिफरेंस कितना, 15,000। तो अब ये हो गया 5, तो 10 लाख और 15 × 135, 1,35,000, यानी कि 5 × 11,35,000, बस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 56,75,000, 56,75,000। कैलकुलेटर आपके पास है, मैंने तो अभी बिना कैलकुलेटर के किया है, तो आप कैलकुलेटर से करोगे तो और भी बहुत ज़्यादा इजी लगेगा ये। तो सर इसमें था क्या, कुछ भी तो नहीं था, एपी था। अच्छा एपी था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, बट स्टेटमेंट तो पढ़ना पड़ेगा ना, एपी तो बनानी पड़ेगी, बनाने के बाद तो कुछ भी नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये था यूज, उसका एप्लीकेशन कैसे उसको यूज कर सकते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो ध्यान से देखना बस क्वेश्चन के अंदर, देखना कि क्या दे रखा है उसने, उसके बाद तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ये क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन क्या था उसी टाइप से है, बस क्वेश्चन समझो।
ए पर्सन पेज 975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट, कि कोई जो कोई पर्सन है वो 975 रुपये पेमेंट कर लिया बाय मंथली इंस्टॉलमेंट, भाई मंथ के हिसाब से देता रहेगा, टोटल कितने दिन है 975। दिस इज एस एन, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट है। तो पहले साल इंस्टॉलमेंट थी 100 की, पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है 100 की है, और हर साल है कि महीने हर महीने 5 रुपये कम होते जाते हैं, तो नेक्स्ट जो मंथ है उसमें कितने रुपए होंगे 95, फिर 90, फिर 85, ऐसे चलता जाएगा, और ये बताना है कि कितने टाइम में वो पूरी की पूरी पेड हो जाएगी। तो फॉर्मूला आपके सामने है, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी। तो ये 975 है, एन आपको फाइंड आउट करना है, ए आपका 100 है, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी आपका माइनस फाइव है। बस इसको सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 1950, और ये रह गया आपका एन, और अंदर वाले से सोल्व करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 205 माइनस आ जाएगा ये 5n। अब या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे फिर फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, या ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 10 मंथ, 15 मंथ, 14 मंथ या नन, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। या तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फैक्टर करो, जैसे कि क्वेश्चन मैंने पहले बताया था 36 आंसर आ रहा था, जिसका याद है ना 36 आंसर आया था, तो वो वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्टली पुट करके देख सकते हैं। तो अगर हमने 10 पुट किया, जैसे यहाँ पे 10 और ये 10, ठीक है, ये 10 हो गया तो कितना हो गया ये 1550, तो 10 आंसर तो नहीं आएगा भाई, 10 तो देख लिया नहीं आएगा। फिर 15, ये तो कर लेते हैं 15, और ये 15 वो हो गया 75, तो 75 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130, तो ये हो गया आंसर 15 मंथ आंसर हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1950 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो बस आपका जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं, हर क्लास के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन किए हैं, कुछ मैंने पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया है, ठीक है, और आज के लेक्चर में भी मैं आपको पीडीएफ भेजने वाला हूँ। तो बस इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, नोटबुक अच्छे से बना लेना, और आपका जो मन करे जहाँ से स्टडी मटेरियल आपको सोल्व करना हो आप वहाँ से सोल्व करो, ठीक है। स्टैटिक्स के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वही कर लीजिए, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत कीजिए, बोला था ना, स्टैटिक्स के अंदर जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही वाले क्वेश्चन कर लीजिए, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन था, काफ़ी सारे मिस्टेक थे क्वेश्चन, तो उसमें काफ़ी सारा कवर भी करवाना है। स्टडी मटेरियल मैंने बोला था कि अभी मत करो, मैं बाद में ट्राई कराऊंगा सारे का सारा, लेकिन जो मैथ के चैप्टर हैं उसमें कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं है कहीं पे, सारे ठीक मिलेंगे। थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे दो राय हो। दो राय का मतलब स्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें लगता है भी ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन सही है, या ए या सी सही है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसमें डाउटफुल होता है, तो वो क्वेश्चन भी हम कवरअप करेंगे, सारे के सारे मैं आपको कवरअप कराऊंगा। लेकिन मैथ के अंदर खुले मन से, जहाँ से आपका मन करे, इंटरनेट से, यूट्यूब से, प्लस वन की बुक ले लो, प्लस टू की बुक ले लो, सी ए फाउंडेशन की बुक ले लो, जेई मेन्स की ले लो, कोई भी राइटर का, कहीं से भी आपका जो मन करे वो क्वेश्चन आप उठा के सोल्व करो। एक चैप्टर के नहीं बोल रहा, मैथ के पूरे चैप्टर, जहाँ से आपका मन करे वो क्वेश्चन करो। कोई डाउट रह जाए फिर मेरे को बोलना, ठीक है ना। मैथ्स प्लेयर ऐसे नहीं है, जितने भी आप, खुली छूट है, जहाँ मर्जी जा सको, जिस मर्जी से पूछ सको, ठीक है। यूनिक शॉर्ट ट्रिक है, किसी से भी कंपेयर करके देख लेना, ये शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिली, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो हम यहाँ पे 24x7 समझते हो, 24 घंटे 7 दिन आपके लिए अवेलेबल है, तो कोई भी डाउट आप डाउट्स ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर दिस वीडियो, और देखते रहिए।